हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान। और मैं हूँ आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है बाला ऑफिशियल ट्रेलर। ओके, ये कोई मूवी आ रही है और आई डोंट नो कि ये किस बारे में, लेकिन बाला कौन फीचर हो रहा है इसमें? आयुष्मान खुराना साहब। डू यू नो दिस यस, गाय? ओके, मैंने आई लव हिज सॉन्ग्स, दो तीन बहुत अच्छे हैं। ओके, लेट्स सी के इस मूवी में क्या होने वाला है और कैसी मूवी आ रही है। एक बार हम इसका ट्रेलर देखेंगे और फिर हम अपनी प्रडिक्शंस करेंगे, स्टोरी प्रेडिक्ट हम करेंगे, नहीं सिर्फ ये करेंगे वो जो हमारे बात करते हैं। प्रेडिक्शंस। लेट्स सी। ओके, टू थ्री गो। ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स। पढ़ाई लिखाई, जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो? हटाओ। नाम बाला लहराते बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार गिल के रोल में कैसे जी सकता है? जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते तो फटती है हमारी, लगता है धसेगी हम पे देख के। हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। मम्मी इसको कहते हैं थेगला। नहीं चाहिए हमें थेगला। का है? हस्त मैथुन और सेक्स में फर्क होता है बे। ये हस्त मैथुन है, हमें बाल उगाने अपने असली के। उगा देंगे। लगे रहो। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। तुझे हूर जैसी परी मिलेगी। हमने नहीं करनी शादी वादी। जितने विकेट विकेट बचे हैं ना, इनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। आज तुम्हारे पापा तुम्हें बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। बाला, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। तो फिर आज एक जिंदगी और जी लो, एक नाम और जान लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं लगता है तुम एक फिल्म हो, पर मैं डर लगता है कि एक दिन अचानक इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा। हम कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। आज खुशी का दिन है, आया बिल्कुल लल्लंटा। इमोशन इमोशन। सोडा पानी नींबू के साथ क्या पिएंगे? इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दीस? हम बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा यही टापू है भैया, जो सर में लगा घूमते हो पूरा दिन। टाइम जाएगा। तेरी शादी हिट या फ्लॉप? एयर ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती, हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है। बस एक ही जगह है। मुझे लगता है एक मूवी वो गुजरी थी, उजड़ा चमन। और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था उस आइडिया को। और सेम चीज वही बात है, बहुत अच्छी बात है कि इन बेचारे मजलूमों की भी कोई सुन रहा है। अच्छा, प्रिडिक्शंस करनी थी इस मूवी पर। मेरे ख्याल से अब कुछ रह नहीं गया। लेकिन आउटस्टैंडिंग Outstanding. What was outstanding? यार आइडिया बहुत अच्छा है, बड़ा हटके, क्योंकि यूनिक आइडिया, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। मतलब वो कहती है ना कि मुआशरे के वो वाले मसाइल जो हाईलाइट नहीं होते, तो ये वो वाले मजलूम लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो आज उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट हुआ है। क्योंकि अगर कोई जवानी में ही गंजा हो जाता है तो उस पर क्या क्या बीतती है ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज देखा जाए अगर, तो जिंदगी में सबसे अहम जो काम है ना, अहम चीज, वो है शादी। क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जो भी मसले मसाइल है, उनका डायरेक्टली सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है ना, वो शादी पे होता है। जॉब में कोई मसला नहीं होता और कोई इशू ऐसा नहीं होता, लेकिन शादी के मसाइल होते हैं सबसे पहले। जिस बंदे, जो बंदा सर से बाल उड़ जाए, क्या कभी किसी ने जॉब देते हुए कहा तुम्हारे सर पे बाल नहीं? गंजे लोगों की शादी नहीं होती। हाँ क्या नहीं होती? यही तो दिखा रहे हैं, इतना क्या क्या करना पड़ता।
ये सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी मसला मेरे ख्याल में शादी भी नहीं होता बंदे। देर आर अदर रीजन टू लिव मे बी। ठीक है भाई, सबसे ज़रूरी शादी है जी, जिंदगी का सबसे अहम चीज़। या यू कैन से इम्पोर्टेंट पार्ट। तो वही वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से, और मैं क्या कह रहा हूँ। यू चूज रॉन्ग वर्ड्स आई थिंक। ओके, मैं वीक इन ग्रामेटिक्स, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन फनी मेरे ख्याल से ये दोनों मूवीज बड़ी सेम नहीं होगी, सेम सेम है ना, सिमिलर किस्म की। फनी भी यही था कि उसको लड़की से शादी का मसला, वही उजड़ा चमन की बात कर रहे हैं, रिसेंटली देखा था उसमें। और उसमें भी यही, वो डॉक्टर के पास जाता है और बाल लगवाने वाला सीन, और वो कह रहा होता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से पूरे कर ले। डायलॉग्स भी सेम है, डायलॉग जाहिर है आइडिया सेम है, स्टोरी को मिल रही है किसी हद तक, तो डायलॉग भी। दो मूवीज जो आ रही है, आपने एक टिकट में दो मूवीज देख सकते हैं। क्वाइट सिमिलर मुझे लग रही है इसका सिनेरियो, लेकिन आइडिया अच्छा है और मज़ा आएगा आप लोगों को। उस वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि ये आप लोग जाएं अपने दोस्तों के साथ देखने। यस, फ्रेंड्स में तीन चार पांच लोग मिलकर जाएं, आपको मज़ा आएगा ये मूवी देखने का। कौन सी ज़्यादा बेहतर होगी, उजड़ा चमन या बाला? ट्रेलर देखते हुए मेरे ख्याल से उजड़ा चमन ज़्यादा मज़ा की। मेरा वोट भी उजड़ा चमन। उसमें उसका ट्रेलर ज़्यादा फनी है कंपैरेटिवली, उसका ट्रेलर बहुत अच्छा बना। अब मूवी कैसी है, मे बी मूवी ज़्यादा अच्छी ये हो। इसमें पता है सिर्फ बालों पे फोकस किया है ना, उसमें बालों की वजह से होने वाले इश्यूज के रिएक्शंस की भी बात की हुई है। बिल्कुल, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा इंटरटेनिंग मूवी होगी, लेकिन आइडिया सेम है और दोनों मज़े की मूवीज़ होने वाली हैं। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जिन्होंने दोनों ट्रेलर्स देखे हैं आपको क्या लगता है कौन सी मूवी ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, और स्टोरी में क्या इसमें जो स्पेसिफिक डिफरेंस है, उसमें सिर्फ उसकी शादी तक का डिफरेंस है, इसमें शादी होने के बाद भी बालों का छुपाने से राज को राज रखने का एक इशू है, इतना सा फ़र्क मुझे स्टोरी में नज़र आ रहा है। देखो ये प्रेडिक्शन भी होगी। हाँ मतलब यही फ़र्क है, यही फ़र्क जो नज़र आ रहा है। बाकी इस स्टोरी को देख के अगर आप लोगों को लगता है कोई डिफरेंस है, या इनमें से कौन सी मूवीज़ ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएं, और जब मूवीज़ आ जाएंगी तो फिर देखेंगे कौन सही कह रहा था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।